पहले सूखा, फिर बाढ़ और अब एक बार फिर से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। लगातार कई दिनों से बारिश बादल होने के चलते रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनकी फसल का उत्पादन इससे काफी कम हो जाएगा और लागत भी निकलनी मुश्किल हो जाएगी। तेज हवाओं और बारिश की वजह से खड़ी फसल टूटकर खेतों में बिछ गई है और जो फसल कटी हुई रखी थी उसमें भी पानी भर गया है। दोनों ही स्थिति में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वेस्ट यूपी में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब किसानों को भी इसका नुकसान झेलने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें हैं मेरठ के मेडिकल क्षेत्र की हैं, यहाँ गन्ने की जो है वो बुआई यहाँ की जा रही थी, तो किसान भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इनकी जो फसलों का नुकसान हुआ है, आप बताएं क्या कुछ करना चाहेंगे? बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, फसलों को नुकसान। देखिए, ये इस तरह की जो बारिशें होती हैं, इस जो जब फसल तैयार हो जाती है तो इनसे जो ना किसान को भारी नुकसान होता है। सबसे ज्यादा गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। खेतों में पकी खड़ी गेहूं और दलहनी फसलों पर पानी गिरने से काफी नुकसान हुआ। साथ ही साथ मसूर, चना, मटर, आलू की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस बेमौसम बरसात ने मैनपुरी के दूरबीन सिंह के अरमानों पर पानी फेर दिया। दूरबीन सिंह बताते हैं कि उन्होंने 5 लाख का कर्जा लेकर 5 बीघे में गेहूं और 2 बीघे में सरसों की खेती की थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने उनका सब कुछ लूट लिया। सब नुकसान, सरसों जल गई है बिल्कुल खेत ही में, और देखो गेहूं जो है वो सब ले चला। अच्छा, आप बता रहे थे कर्जा अर्जा लेके लगाए थे, क्या क्या होगा? कर्जा लेके लगाओ साहब, अब क्या करें, मजदूरी करे ही कौन। उधर जौनपुर की चिंता देवी की भी इस बेमौसम बरसात ने चिंताएं बढ़ा दी। चिंता देवी ये बताती हैं कि उन्होंने 2 बीघे में गेहूं की फसल की थी, लेकिन आंधी और भारी बारिश के चलते उनकी फसल खराब हो गई। चिंता देवी सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। गेहूं कुल गिर गया, अब बैठ के का जितना कर्जा कुआम कह के लागत लगवले रही वो खत्म हो गया, तो बताओ अब हम हनका खा जाए। 3 बीघा गेहूँ गिर गया तो कैसे गुजर हुई। अब सरकार के मदद जो है करना चाहते, जो करा ना करी तो भाई हम के काम मिलबे करी। दूरबीन सिंह और चिंता देवी की तरह ही प्रदेश के तमाम इलाकों में किसान परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने किसानों को तत्काल राहत मुहैया कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ओलावृष्टि और बारिश को लेकर अधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिया है किसानों को राहत पहुंचाए, और ऐसी स्थिति कहीं भी है मौके पर जाकर के उसका आकलन करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। किसानों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। प्रकृति की मार से किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फसल किसी तरह खराब होने से बच जाए, लेकिन वो मौसम और प्रकृति के आगे लाचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।